में लौट कर आए, चुनाव तो नहीं लड़ पाई लेकिन कुछ नई बात तो लेकर आए होंगे। आज देखिए जैसा कि बाड़मेर में मेरा आना हुआ है, बाड़मेर आने के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा था और यहाँ से मैं मेरी जो नामांकन प्रक्रिया जिस प्रकार से खारिज की गई जो है वो गलत तरीके से खारिज की गई, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद इलेक्शन पिटीशन पढ़ने पे मुझे न्याय मिलेगा और मैं दोबारा जो है बाड़मेर लोकसभा से मैं प्रत्याशी हूँ। और साथ में आज जो मैं आपके बीच रूबरू हो रहा हूँ उसके पीछे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आज जिस प्रकार से मेरे पास मेरा मन भी व्यथित हो रहा है, जिस प्रकार बनारस से एक फौजी जो है जो बसपा और सपा का कैंडिडेट जिसको नियुक्त किया गया था और जिनके लिए आज साजिश कह लीजिए, जिनके लिए दबाव कह लीजिए, जिस प्रकार से एक फौजी को एक किसान के बेटे को चुनाव लड़ने से दूर किया गया, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कुछ समय से सोच रहा था कि देश में तानाशाही नाम की कोई चीज़ घूम रही है, और मैंने पुलिस अधिकारी होने के नाते मैंने अपने नौकरी महसूस किया कि कहीं ना कहीं एक ऐसा दबाव जो है पुलिस के अधिकारियों पे लोगों के ऊपर बनाया जा रहा है जो देश के लिए हितकारी नहीं है, लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। पुलिस से जब मैं बर्खास्त हुआ तो मैंने ये देखा कि एक ऐसी महिला राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जो एक IPS अधिकारी जो दबंगत से काम करना चाहता है, निर्भीकता से काम करना चाहता है, उसके पीछे पड़ जाती है और वो दिल्ली जाके जो है राजनाथ सिंह से मिलती है, DOPT मिनिस्ट्री मिलती है और पंकज चौधरी कहती है कि पंकज चौधरी को किसी भी तरह से उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया। ऐसा मामला जिसमें कि पंकज चौधरी का पारिवारिक मामला था, जिसमें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट उसमें ऑलरेडी उसके विचाराधीन मामला था। आप ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने नौकरी से जो आपकी बर्खास्त नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मुख्य भूमिका, बिल्कुल बिल्कुल 90% जो पंकज चौधरी को बर्खास्त करने की जो प्रक्रिया थी वो वसुंधरा राजे की मन की एक खुरापात है, और वसुंधरा राजे को भी पता था ये कि पंकज चौधरी को हम बर्खास्त तो करवा देंगे, अपनी खुन्नस तो मैं निकाल ले जाऊंगी, लेकिन पंकज चौधरी वापस वर्दी में आएगा कि पंकज चौधरी जो किसी राजशाही परिवार से नहीं है, पंकज चौधरी एक गरीब परिवार से बना हुआ IPS है और बहुत मेहनत के साथ उसने अपनी IPS की वर्दी पकड़ा है। तो ऐसी तमाम वसुंधरा राजे आएंगी और तमाम ऐसी राजशाही आएगी, पंकज चौधरी को टिका नहीं पाएगा। रही बात तो मेरी बर्खास्ती की, तो बर्खास्ती की बात मैं बार बार इसलिए ला रहा हूँ कि मामला चूंकि ऑलरेडी मैंने कोर्ट में इसको मैंने डाल रखा है और वो मुझे न्याय मिलेगा। मैं खाकी से खादी आया हूँ और खादी से मैं फिर खाकी में जाऊँगा, जो है ये देश के इतिहास में पहली बार हो। मैं जो आपकी बनारस की बात करना चाहता हूँ, मुझे मैं बात इस बात को भी इसलिए आ रहा हूँ कि एक फौजी जो बनारस से तेज बहादुर नाम का फौजी जो सपा बसपा के टिकट पे कैंडिडेट था, उसका जब ये नामांकन रद्द हुआ तो मुझे ये फील हुआ कि पंकज चौधरी जब अपने नामांकन को लेकर 1 अप्रैल को जब निर्वाचन आयोग दिल्ली प्रत्याशी खुद जा रहा है और 10 दिन तक निर्वाचन आयोग सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पा रहा है, इसके बाद हाईकोर्ट जब इंटरवीन करता है उसके बाद वो घंटे भर के अंदर सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है। उस साजिश में हम लोगों ने कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को हमने पार्टी बनाया, जो ये प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है, और इसमें साथ साथ हमने सचिव निर्वाचन आयोग को, भारत सरकार के अधिकारियों को, राज्य सरकार के अधिकारियों को हमने तत्काल सस्पेंड करने की बात की है कि इनकी अगर साजिश है तो इनको सस्पेंड किया जाए, इनको नौकरी से बाहर किया जाए। इसके अलावा जो भी जनप्रतिनिधि इसमें शामिल है, जिसकी भी खुरापात है, चाहे वो राज्य सरकार कांग्रेस की हो, चाहे राज्य सरकार भाजपा की हो, चाहे वो भारत सरकार की सरकार हो, किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई इनपुट दिया हो कि पंकज चौधरी को चुनाव नहीं लड़ देना, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना सिर्फ अधिकारियों के खिलाफ बल्कि जनप्रतिनिधि। और मैं बनारस वाले मामले में मैं मुझे पहली बार बोलना पड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि मोदी साहब एक जवान आपके सामने खड़ा हुआ था, जो है एक अधिकारी का नामांकन रद्द हो गया, चलो वो राजस्थान की बात थी, बाड़मेर की बात थी, रही चली बात चली गई, हाईकोर्ट मामला चला गया, मामला दोबारा हाईकोर्ट उसको संज्ञान ले रहा है और एक दोबारा चुनाव हो जाएगा, हम लड़ लेंगे। लेकिन एक फौजी जब लड़ता है बनारस से तो एक बड़ा दिल रखते हुए कम से कम अगर उसके सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ था तो घंटे दो घंटे का कोई दिक्कत नहीं, 1-2 दिन का समय दिया जाता था, उसको लड़ने का मौका देते हैं, उसको लोकतंत्र में उसको आप तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव है, वो दबाव भारत सरकार को हो सकता है, वो दबाव प्रधानमंत्री को हो सकता है, वो दबाव जो है किसी न किसी जनप्रतिनिधि को हो सकता है, बिना इन दबाव के संभव नहीं है कि जो सर्टिफिकेट हाईकोर्ट कहने को दे रहा है वो सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी कर पाया। और इस फौजी के मामले में कहना चाहूंगा, एक फौजी जो सेना से बर्खास्त हुआ है उसके लिए सिर्फ 2 लाइन लिख के देनी थी कि ये व्यक्ति जो है करप्शन के चादर बरसात बर्खास्त नहीं हुआ, ये व्यक्ति देशद्रोह में बर्खास्त नहीं हुआ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आप 2 दिन का समय और ले सकते थे, 3 दिन का समय लेते, कोई वो फौजी कोई देश छोड़कर भाग नहीं रहा है और फौजी कोई ऐसी कोई घटना नहीं कर रहा है कि जिससे कि देश जो प्रभावित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने से आप रोक रहे हो। और मैं तो ये आशा भी है और मैं आश्चर्य कर रहा हूँ कि जहाँ इस देश में जिनके 50-50 मुकदमे हैं, जिनके 100-100 मुकदमे हैं,
जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, बदमाश हैं, वो जेलों में रह के चुनाव लड़ रहे हैं, और जहाँ पे एक जवान जो चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसके ऊपर बंदिशें लगाई जा रही है। एक अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी जब वो चुनाव लड़ने के लिए एक सरहद के किसी जिले में, सरहद के किसी एक क्षेत्र से लोकसभा सीट से लड़ने आता है तो उसके उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। तो ये बहुत सी बातें साजिश का, साजिश के दौर को बताती है कि साजिशें कितनी बड़े लेवल पर हो रही है। और अगर यही चलता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद कुछ इस तरह का ये अधिनियम पारित कर देंगे कि देश का कोई भी जवान, देश का कोई भी अधिकारी, देश का कोई भी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज की जो घटना हुई है उससे मैं मर्माहत भी हूँ, और मैं आपके सामने इसीलिए रूबरू हो रहा हूँ कि मैं पंकज चौधरी एक आईपीएस अधिकारी, मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं पुनः बाड़मेर में रहूँगा, बाड़मेर में चुनाव निरस्त कराऊंगा और इस चुनाव को मैं दोबारा करा के यहाँ से मैं विजयी हूँ। सर क्या वापस आप रिपीट करें, क्या बता रहे बाड़मेर को लेकर? बाड़मेर के लिए मैं कहूँगा कि मैं ऑलरेडी हाईकोर्ट में मामला हमारा विचाराधीन है, सारे लीगल पहलुओं पर लगातार नोटिसेज इश्यूज हो रहे हैं चुनाव आयोग को, राज्य सरकार को, भारत सरकार को, उन्होंने एक भी नोटिस का अभी तक जवाब नहीं दिया, क्योंकि नोटिस का जवाब वो तब दे पाएंगे जब वो कुछ कहने की स्थिति में होंगे। उनको पता है कि लापरवाही की गई, उनको पता है कि राजनीतिक दबाव में पंकज चौधरी को चुनाव लड़ने नहीं दिया गया, इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, डरे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मेरा अधिकार मेरा रोका गया है, जिस प्रकार से मेरे लोकतंत्र के एक एक भूमिका का निर्वहन करने से रोका गया है, उस निर्वहन को ज़्यादा समय नहीं रोक पाएंगे। जैसे ही इलेक्शन 23 मई को खत्म होगा, एक इलेक्शन पटिशन के माध्यम से हम लगातार इनको घेरे हुए हैं, और हम तो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए कि इतने समय बीतने के बाद भी जब आप नोटिस इशू कर रहे हो, जब आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो, तो आपने अभी तक जाँच नहीं कराई। हमने 22 अप्रैल को हमने डिमांड की थी कि जो भी अधिकारी इसमें शामिल है उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। आज 1 मई हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं है, ना तो मेरे पास जवाब आ रहा है, ना मेरे चुनाव एजेंट के पास जवाब आ रहा है, और ना मेरे हाईकोर्ट के वकील के पास जवाब आ रहा है। इसका मतलब ये पूरी तरह से जो है कानों पे, आंखों पे पर्दा बांध के बैठे हुए जो है, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और बाड़मेर से पंकज चौधरी ने अगर यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाया है तो चुनाव यहीं से लड़ेंगे, और यहाँ से लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। रही बात फौजी की, तो फौजी के लिए मैं चुनाव मतलब कौन सा आगे आने वाला जो 23 वाला है, नहीं मैं इस चुनाव की 2019 की बात कर रहा हूँ। इस चुनाव को इलेक्शन के होने के रिजल्ट होने के बाद, चूंकि मैंने आपको बताया कि एक प्रक्रिया होती है इलेक्शन के बाद ही इलेक्शन पिटीशन पड़ता है, और चूंकि लगातार हमने इनको टारगेट किया हुआ, इनको हम लगातार घेरे हुए हैं, और मुझे लगता है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम इलेक्शन पिटीशन में जाएंगे और अपने सारे ग्राउंड्स को हम जो है माननीय उच्च न्यायालय में रखेंगे और इस चुनाव को रद्द कराते हुए इस पर उपचुनाव कराएंगे। और नियम ये है कि चुनाव होने के बाद 6 महीने के अंदर डिस्पोजल करना होता है, और अगर हम सक्रियता से लगे रहे तो मुझे उम्मीद लग है कि दिसंबर तक ये बाड़मेर का चुनाव दोबारा हो जाएगा, वो चुनाव दोबारा हो जाएगा। सर आपके धर्मपत्नी जो है वो जोधपुर से लड़े, आप भी उनके साथ काफी है, कैसा रिस्पांस रहा वहाँ पर, क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि आपके सामने केंद्रीय मंत्री भी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के रूप में और वैभव गहलोत भी है जो मुख्यमंत्री के रूप में। देखिए जैसा कि मेरा 8 अप्रैल को नामांकन करने के बाद 10 अप्रैल को जब मेरा डाक नामांकन खारिज हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है कि चूंकि मेरी पत्नी जोधपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं बसपा की, तो मैं एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते मैं उनका सहयोग देने के लिए मैं जोधपुर आया, और पिछले 20 दिनों में जो फीडबैक मैंने लिया, तो हालांकि समय उनके पास काफ़ी कम था, और बसपा जो एक कमज़ोर पार्टी के रूप में कह लीजिए कि पश्चिम राजस्थान में आए, हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि इस संगठन को मजबूत करें, इसकी नींव को मजबूत करें, अच्छे लोग को शामिल करें। तो जिस प्रकार से 15-20 दिन का रिस्पॉन्स मुकुल चौधरी को मिला है, महिलाओं ने जिस प्रकार रिस्पॉन्स दिया है, जिस प्रकार बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है, जिस पर युवाओं ने रिस्पॉन्स दिया है, जिस प्रकार वैसे लोगों ने रिस्पॉन्स दिया जो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी से हतोत्साहित हैं, कांग्रेस और बीजेपी से परेशान हैं, उन्होंने एक अपना जो है सहयोग देने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है 15 दिन में एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। आप 23 मई का इंतजार कीजिए, और मुकुल चौधरी को जो वोट मिलेंगे वो कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय मंत्री जो बसपा से हैं और जो मुख्यमंत्री के लड़के हैं उन दोनों के लिए कहीं ना कहीं जो है बसपा का जो कैंडिडेट से वो कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा। सर बाड़मेर और जोधपुर में ही जब मैं आपको बताऊं, 14 मार्च को जब मैंने राजनीतिक पारी खेलने की बात की तो राजनीतिक पारी में खेल रहा हूँ जो, और आपको याद होगा कि 26 मार्च को जब मैं यहाँ पर बाड़मेर में पहली बार आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैंने की थी तो मैंने बाड़मेर से लड़ने की बात रखी थी जो है, और मैंने 6 अप्रैल को ये आप लोगों ने भी पूछा था कि सब किस पार्टी से, तो मैंने बताया कि 1 अप्रैल में बता दूंगा कि मैं किस पार्टी से, मैंने 6 अप्रैल को घोषित कर दिया कि किस पार्टी से लड़ा। और आज अगर पंकज चौधरी का नामांकन रद्द हो गया है तो पंकज चौधरी और कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे, पंकज चौधरी बिनार से भी लड़ सकते थे, पंकज चौधरी बीकानेर से भी लड़ सकते, अभी पंकज चौधरी के पास और अपॉर्चुनिटी है। लेकिन पंकज चौधरी वैसा व्यक्ति नहीं है, पंकज चौधरी वैसा अवसरवादी व्यक्ति नहीं है जो चुनाव लड़ने के लिए कहीं भी जा सकता है।
पंकज चौधरी महसूस किया कि बाड़मेर और जैसलमेर की जनता के साथ अगर मैं डट के खड़ा हूँ, उनके लिए आया हूँ, उनके उनके विकास के लिए आया हूँ, उनके उत्थान के लिए आया हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुझे रोका गया है, मुझे कुछ समय के लिए तात्कालिक रूप से रोका गया है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी जिन भी लोगों ने साजिश की उन साजिश से उनकी पर्दाफाश होगी और जो भी कैंडिडेट जीते हैं इस चुनाव में लोकसभा के, मैं कहूँगा कि वो कुछ समय तक मिठाइयाँ बांट लें जो है, और वो मिठाइयाँ जो है पंकज चौधरी को ही खिलाना है। वो हो सकता है कि मैं दिसंबर में खिलाऊँ या मैं 6 महीने बाद खिलाऊँ, तो मिठाइयाँ मुझे ही खिलाना है, बाकी जो मिठाइयाँ खिला रहे हैं खिलाते रहें, उसमें मुझे कोई चिंता की कोई मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पूरा विश्वास है कि जिस तरह से लीगल राइट्स मेरा है उस लीगल राइट को मैं प्रिवेल करूँगा और उसको मैं सामने लेकर